नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं जूही हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली में नए संसद भवन की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी नई विधानसभा बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नए विधान भवन की आधारशिला रखी जाएगी। इसके निर्माण कार्य में करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस नए भवन का निर्माण निरामन, दारुल सफा और आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर होगा। साल 2027 से पहले इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यूपी सरकार ने अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये समिति एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर अपनी संस्तुति राज्य विधि आयोग के समक्ष रखेगी। विधि आयोग की समीक्षा के बाद सरकार इसे लागू करेगी। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से समिति में प्रतिनिधि नामित करने के लिए अनुरोध किया गया है। पूर्वांचल के खेल प्रेमियों को आगामी 23 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बड़ी सौगात देंगे। राजा तालाब के गंजारी में 330 करोड़ से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी जाएगी। इस स्टेडियम में काशी और भगवान शिव जी के डमरू व त्रिशूल की झलक दिखेगी। ये स्टेडियम 2 साल में तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस होंगे। न केवल वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के जनपदों में ये इकलौता स्टेडियम होगा। लखनऊ में इकाना, कानपुर में ग्रीन पार्क के बाद ये प्रदेश का 3रा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर स्थित MSTC यानी मल्टी डिसिप्लिनरी मेथड ट्रेनिंग सेंटर में स्वदेशी तकनीक से निर्मित ट्रेन वंदे भारत का ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। ट्रेन की धुलाई, सफाई और आवधिक मरम्मत के साथ गोरखपुर में ही रेल कर्मियों को प्रशिक्षण की भी सुविधा मिल जाएगी। रेल कर्मियों को सामान्य ट्रेनों के साथ वंदे भारत के संचालन से संबंधित बारीकियां सिखाई जाएंगी, जिससे वे नई तकनीक में भी निपुण हो सकेंगे। अयोध्या में बुधवार सुबह तेज बारिश हुई। लखनऊ, कानपुर में बादल छाए हुए हैं। 20 सितंबर को लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर समेत 45 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें से कुछ स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है। बरसात के दौरान लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। 25 सितंबर तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव क्षेत्र को बताया जा रहा है। लखनऊ में पुलिस मुख्यालय पर राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति की 9वीं त्रैमासिक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें DGP विजय कुमार ने यूपी की सभी ट्रेनों को CCTV से कवर करने के निर्देश दिए। उन्होंने रेलवे में अपराध की रोकथाम के लिए ठेकेदारी के अधीन कार्य करने वाले अनुबंधित रेल कर्मियों के पुलिस वेरिफिकेशन कराने, अवैध वेंडरों को रोकने और वैध वेंडरों की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड अक्टूबर में लखनऊ और उसके आसपास के विभिन्न गाँव के शिल्पकारों और कारीगरों के लिए 15 दिन के कार्यशाला आयोजित करेगा। पारंपरिक मिट्टी के कारीगर, जिन्हें बाजार की मौजूदा मांगों को पूरा करने के लिए अपने कौशल को बढ़ाने में कठिनाई हो रही है, उन्हें कार्यशाला में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य इन शिल्पकारों और कारीगरों के कौशल उन्नयन में तकनीकी सहायता देना और मदद करना है। पात्र उम्मीदवारों को 28 सितंबर तक अपने आवेदन जमा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लखनऊ के अलीगंज में स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर आस्था का केंद्र है। दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। अलीगंज श्री महावीर जी ट्रस्ट की ओर से यहां मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत मुख्य द्वार बनाने के लिए प्रस्ताव आया था। इसे स्वीकृत मिल गई है। इसमें कुल 191.51 लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें 50% राज्य सरकार और 50% मंदिर ट्रस्ट की ओर से खर्च किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए नया फैसला लिया है। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन अब उन उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने जा रहा है, जिन्हें मौजूदा समय में बिजली नहीं मिल पा रही है। दरअसल पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने बिजली के 75,000 नए कनेक्शनों को हरी झंडी दिखाई है। इससे नए कनेक्शन आवेदकों को जल्द ही लाभ मिलने लगेगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के 15 वर्षीय सदक दीप सिंह चहल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। उन्हें लॉन्गेस्ट हेयर अमंग लिविंग मेल टीनेजर के रूप में गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। इस उपलब्धि को पाने के बाद सिदक दीप सिंह ने कहा कि मैं सिख धर्म का पालन करता हूं और हमारे धर्म में बाल को वाहे गुरु जी की देन माना जाता है और इसे कभी कटवाया नहीं जाता। आज का यूपी के खबरों में बस इतना ही। अपने शहर की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।